कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है और हम सभी कृष्ण जन्माष्टमी अपने घर में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो चलिए आज हम कृष्ण जन्माष्टमी पे कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए हम मथुरा का फेमस मथुरा के पेड़े बनाएंगे। और ये देखिए पेड़ा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है, हम इसे इंस्टेंट बनाएंगे। ये बहुत ही इजीली आप भी अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और ये देखिए मथुरा का पेड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कप मिल्क पाउडर ली हूँ और हाफ कप मिश्री ली हूँ। मिश्री की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन हम प्रसाद बना रहे इसलिए मिश्री का यूज़ करेंगे। और मिश्री कृष्ण जी को पसंद भी है। और यहाँ मैंने छोटी वाली 4 इलायची ली हूँ। और ये देखिए यहाँ मैंने डेरी वाइटनर मिल्क पाउडर का यूज़ किया, ये आपको इजीली किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। और चलिए अब हम मथुरा का पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। पेड़ा बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, पैन को गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो गया है, हम इसमें 1 चम्मच शुद्ध गाय का बना देसी घी लेंगे। घी डालकर घी को गर्म या मेल्ट होने देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। घी गर्म हो रहा है और अब हम इस स्पैचुला से घी को पैन में चारों तरफ इस तरह फैला लेंगे। ये देखिए घी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई। और अब हम इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालकर हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही इस तरह चलाते हुए मिल्क पाउडर को भून लेंगे। और ये देखिए मिल्क पाउडर हमारा जमना स्टार्ट हो गया है। और हम इसे इस तरह चलाते हुए कंटिन्यू तोड़ लेंगे। आप भी मिल्क पाउडर जब ऐसे जमने लगे तो आप इसे चलाते हुए अच्छे से तोड़ लें, ताकि मिल्क पाउडर हमारा अच्छे से सिके या भुने। मीडियम फ्लेम पे मिल्क पाउडर को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। और ये देखिए मिल्क पाउडर में सुनहरा कलर भी आ गया है। इस टाइम पे हम इसे इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जब तक मिल्क पाउडर में डार्क ब्राउन कलर ना आ जाए, तब तक हम इसे चलाते हुए कंटिन्यू भून लेंगे। और ये देखिए मिल्क पाउडर हमारे जम गए हैं, लेकिन ये हाथ से तोड़ने पे इजीली टूट जा रहा है। तो हम इसे इस तरह कंटिन्यू चलाते रहेंगे। मिल्क पाउडर को भूनते हुए मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट हो गए हैं। और ये देखिए मिल्क पाउडर हमारा घी रिलीज़ कर रहा है और मिल्क पाउडर में डार्क ब्राउन कलर आ गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मिल्क पाउडर को हम एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और ये देखिए मिल्क पाउडर हमारा ठंडा हो गया है। और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। ग्राइंडिंग जार में मिल्क पाउडर डाल करके रोस्टेड मिल्क पाउडर को हम बारीक या महीन ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने मिल्क पाउडर को महीन ग्राइंड कर लिया है। मिल्क पाउडर हमारा बिल्कुल परफेक्ट पिसा है। और चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे और सेम ग्राइंडिंग जार में ही मिश्री डालेंगे। और मिश्री डालकर हम इसमें 4 इलायची डालेंगे। इलायची डालकर हम इसे ढक्कन लगाकर इसे भी बारीक या महीन पीस लेंगे। और ये देखिए मिश्री को भी यहाँ मैंने महीन पीस लिया है। और अब हम पेड़ा बनाने के लिए एक थाली या प्लेट लेंगे। प्लेट में पिसी हुई मिल्क पाउडर डालेंगे और इसमें पिसा हुआ मिश्री का पाउडर डालेंगे। मिश्री का पाउडर डालकर हम दोनों इंग्रेडिएंट को साफ हाथ से अच्छी तरह मिला लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैं इसे हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे मिल्क पाउडर और मिश्री अच्छे से मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ मैंने मिल्क पाउडर और मिश्री को अच्छे से मिला लिया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच शुद्ध गाय का देसी घी डालेंगे। घी डालकर हम घी को भी अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने अच्छे से मिला लिया है। और अब हम इसमें तीन से 4 चम्मच दूध डालेंगे। दूध डालकर हम इसे फिर से पेड़े के मिश्रण में अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए पेड़े के मिश्रण में दूध डालकर यहाँ मैंने दूध को अच्छे से मिला लिया है। और अब हम चलिए इसका पेड़ा बना लेते हैं। पेड़ा बनाने के लिए हम थोड़ा सा डो लेंगे और इसे इस तरह दोनों हाथ से
दबाते हुए गोल घुमाते हुए हम इसे मथुरा का पेड़ा वाला शेप देंगे। आप इसे अपने पसंद का भी पेड़ा का आकार दे सकते हैं। और चलिए अब हम एक प्लेट लेंगे और पेड़े में मिश्री के पाउडर को इस तरह से लगा लेंगे। और चलिए सेम तरीके से यहाँ मैं एक और पेड़ा बना करके आपको दिखाती हूँ। हम हाथ पे थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसे इस तरह गोल घुमाते हुए दोनों हाथों से पेड़ा का शेप देंगे और इसे मिश्री के पाउडर में इस तरह डुबा लेंगे या लगा लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने सारे पेड़े को बना लिया है। और अब हम इस पे तुलसी का पत्ता डालेंगे। इस जन्माष्टमी आप भी इस तरह से घर पे इजीली और इंस्टेंट मथुरा का पेड़ा बना सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ।